हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे काफी ज्यादा वाटरमेलन रखा हुआ है और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है और गर्मी में जूस पीना हर एक कोई को पसंद होता है। कोई गन्ना का जूस पी रहा है तो आम का जूस पी रहा है। तो यहाँ पे हमारा पास है 20 kg वाटरमेलन। इससे आज हम लोग निकालने वाले हैं जूस और देखने वाले हैं 20 kg वाटरमेलन में कितना ज्यादा यहाँ पे हम जूस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 kg वही 2 kg 2.5 kg इस प्रकार से है। तो यहाँ पे 20 kg यहाँ पे वाटरमेलन रखा हुआ है। देखना ये है कि इससे हम कितना ज्यादा जो है वाटरमेलन का जूस निकाल सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। चलिए इससे निकालते हैं जूस। चलिए शुरू करते हैं जूस निकालने का प्रक्रिया जारी करते हैं। इसके लिए कोई मशीन यहाँ पे नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको डालेंगे इससे जूस निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको कट करना पड़ेगा। कट करके देख लेते हैं कि लाल है या नहीं लाल, क्योंकि खरीद के लाए हैं और आपको पता भी नहीं है कि इसमें कौन सा कलर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो रेड कलर का आप लोग को दिख रहा है उसको सबसे पहले हमको निकाल के, जितना यहाँ पे 20 kg है सारा को निकाल के उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको हम लोग जूस बनाएंगे। तो यहाँ पे एक कल्चर है, इसके माध्यम से कुछ इस प्रकार से ये जो लाल लाल वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार से जितना यहाँ पे है सारा का काम उसी प्रकार से होगा। जो लाल लाल वाला जो हिस्सा है उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे काम होगा जो जूस डायरेक्ट निकलेगा और वो भी प्योर जूस निकलेगा। लोग किसी भी तरह से इसमें मिलावट नहीं करेंगे, आराम से आप पी सकते हैं उस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए जिस प्रकार से यहाँ पे अभी हम किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे जितना यहाँ पे वाटरमेलन रखा हुआ है सारा को यही प्रक्रिया से निकालना पड़ेगा और जूस बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से खाली हो जाता है। पर जितना यहाँ पे वाटरमेलन था सारा को जो लाल हिस्सा होता है जो वाटरमेलन में कुछ इस प्रकार से, तो इसका जो हिस्सा निकाल के यहाँ पे एक बाल्टी और यहाँ पे इतना ज्यादा हुआ है। और इसका जो 20 केजी का जो छिलका था वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा बाल्टी भरा हुआ है और यहाँ पे नीचे इतना है। अब यहाँ पे इसका काम जो खत्म हो चुका है, मतलब इसमें अब किसी भी तरह से कुछ भी काम नहीं है। जितना काम है जूस निकालने का इससे काम है। तो ये जो रेड हिस्सा वाला जो आप लोग है जब भी इसको कट कर रहे होंगे या तो किसी भी तरह से इसको फाड़ रहे होंगे तो अपने आप इसका जो पानी है वो निकलने लगता है। तो सबसे पहले इसको हम दबाएंगे, मतलब कि जितना हाथ से हो सकता है उतना यहाँ से हम जूस निकाल लेंगे। उसके बाद भी नहीं होगा तो कुछ अलग विधि यहाँ पे निकालेंगे। देख सकते हैं जैसे मैं अभी यहाँ पे हम काटे हुए, तो देखिए इसका जो जूस है ऑटोमेटिक से अपने से निकल जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं होता है। तो चलिए जैसे होगा वैसे यहाँ पे एक बाल्टी और यहाँ पे इतना है। तो चलिए इसको अभी हम जूस निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे हम निकाल रहे हैं। चलिए सबको करते हैं अभी साइड। गाइस यहाँ पे वाटरमेलन का यहाँ पे हिस्सा निकाल लिए हैं जो रेड हिस्सा होता है उसको। यहाँ पे जूस निकालने के लिए मेरे पास मिक्सी भी है, उससे भी हम जूस निकाल सकते हैं। लेकिन वाटरमेलन में होता है दाना जो बीज होता है वो भी उसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर पीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कुछ इस प्रकार से विधि अपनाए हुए हैं। देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक जो वाटरमेलन का जो पानी है वो निकल जा रहा है, जो जूस है वो निकल जा रहा है। तो जितना इस प्रकार से निकलेगा उतना तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद कपड़ा में डाल के उसके बाद उससे हम लोग निचोड़ लेंगे, मतलब कि जिस प्रक्रिया से हम निकाल सकते हैं उस प्रकार से निकाल के, और जो लास्ट में निकलेगा वाटरमेलन का जो जूस है उसको हम लास्ट में मापेंगे और देखेंगे कि 20 केजी से कितना लीटर यहाँ पे हम निकला हुआ है। तो चलिए ये प्रक्रिया से जो जिस प्रकार से हम निकाल रहे हैं उस प्रकार से जितना निकलता है उसको निकाल के लास्ट में फाइनल में हम आप लोगों को बताएंगे कितना निकल रहा है। Oh, 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 oh
जूस यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसको फ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 20 केजी में इतना ज़्यादा यहाँ पे हुआ है जूस। इसमें थोड़ा बहुत अभी भी मतलब कि बचा हुआ है, तो वहाँ पे मेरे पास छन्नी है, ये छन्नी है, ये छन्नी से अभी जितना मतलब कि दाना है या तो थोड़ा बहुत ये जो बचा हुआ है इसको हम निकाल देते हैं। और जो ये सब था जो रेड रेड कलर का हम लोग निकाले हुए थे, इतना हम लोग जो इसको एक्स्ट्रा इससे मतलब कि जितना जूस निकल सकता था सारा उससे हम लोग जूस निकाल दिए हैं। अब ये लास्ट इतना बचा हुआ है इसको चलिए छानते हैं, उसके बाद टेस्ट करके आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसा वाटरमेलन का जूस निकला हुआ है, कितना लीटर निकला हुआ है, सारा कुछ आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए छानते हैं। काफी बेहतर लग रहा है, मीठा भी लग रहा है, इसमें किसी भी तरह से कुछ भी मिलावट नहीं है। अब चलिए इसको माप के देखते हैं कि कितना लीटर निकला हुआ है। तो यहाँ पे मेरा पास मतलब कि कुछ मापने वाला नहीं, तो 1 लीटर वाला यहाँ पे बोतल है, तो यही बोतल में हम डालते जाएंगे और देखेंगे कितना बोतल होता है। 3-4 बोतल हो जाएगा तो 3-4 लीटर हो जाएगा। तो चलिए मापना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 20 केजी वाटरमेलन लाए हुए थे और उसको जूस निकाल कर देख रहे थे 20 केजी में कितना ज्यादा निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 लीटर यहाँ पे है और ये 500 ml का है, मतलब कि 20 केजी में 4.5 लीटर यहाँ पे वाटरमेलन का जो जूस है वो निकला हुआ है। सारा प्रक्रिया हम लोग शुरू से अंत तक यहाँ पे आए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ आप लोग को बताते गए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और 20 केजी में कितना ज्यादा यहाँ पे जूस निकला हुआ है वाटरमेलन को आप लोग को देखने के लिए मिल गया है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।